सेकेंड बीएससी अथवा थर्ड सेमेस्टर बीएससी के लिए स्वर्ण कहानियां नामक जो पुस्तक है इसके अंतर्गत नहीं है, जो मेहमान नामक जो कहानी है इससे हम परिचित हुए। आज की कक्षा में मैं दूसरी कहानी की शुरुआत कर लूँगा। कहानी की शुरुआत के पहले आप सबका इस ई कक्षा के लिए स्वागत है। कई दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है। प्रेमचंद से पहले परिचित होंगे। प्रेमचंद से परिचित होने के बाद प्रेमचंद का जो कहानी साहित्य है उससे परिचित होंगे और उसके बाद यहाँ आपके लिए जो कहानी दी गई है पाठ्यक्रम में दी गई जो कहानी है दूध का दाम इस कहानी से परिचित हो सकते हैं। प्रेमचंद हिंदी कहानी सम्राट समझे जाते हैं। वे गद्य सम्राट हैं। 300 से ज्यादा कहानियों की रचना उन्होंने की है, इनसे थोड़ा परिचित होंगे। इनका जन्म हुआ था जुलाई 31 में 1880 में, 31 जुलाई 1880 में वे जन्मे। निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1936 8 अक्टूबर 1936 में वे उनका निधन हुआ था। हिंदी कथा साहित्य के सुप्रतिष्ठित हस्ताक्षर प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। वे लमही नामक गांव में जो वाराणसी के निकट है, काशी के निकट है, वे वहां जन्मे 1880 में। पढ़ाई तथा जीविका के लिए दीर्घ संघर्ष उन्हें करना पड़ा। गरीबी का अनुभव था। असमय में ही अपने पिता को खोने के बाद, भाई को खोने के बाद, माँ को खोने के बाद वे ऐसे हो गई है, जिम्मेदारी पूरी उन पर पड़ी, इसलिए गरीबी का सही परिचय उन्हें था। इसलिए वे अनुभव हासिल करते रहे। मानवता के आदर्श को प्रतिष्ठित करने वाले सच्चे कलाकार रहे, प्रेमचंद के बारे में कहा गया। हिंदी कहानी को सर्वप्रथम सामाजिक भूमि उन्होंने प्रदान की। अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से आपने पिसता हुआ मध्यम वर्ग और शोषित किसान की घुटन, स्त्री दलितों की पीड़ा प्रभावी रूप से शब्दबद्ध की है। ध्यान देने की बात है, यह है, यह उनकी कलम की खूबी है। वे मध्यम वर्ग की जो समस्याएं हैं, निम्न वर्ग की जो समस्याएं हैं, समाज की जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन पर लेखनी चला दी, कलम चला दी और शोषित किसान की जो घुटन है इसकी कथा उन्होंने सुनाई। स्त्री समस्या, दलित समस्या, उनकी पीड़ा को उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से वर्णित दी। आदर्शवाद से शुरू हुई उनकी रचना अथवा कहानी साहित्य की जो यात्रा है वह आदर्शवाद से आरंभ होकर यथार्थवाद में रुकती है, इसलिए उन्हें कहा जाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार। प्रेमचंद को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार के रूप में माना जाता है। ग्रामीण जीवन का जीता जागता सूक्ष्म चित्रण उन्होंने मनोवैज्ञानिक के साथ प्रस्तुत करने में अद्वितीय सफलता उन्हें मिली। ग्रामीण जीवन का जीता जागता चित्र प्रस्तुत करने में उन्हें अद्वितीय सफलता मिली। उनके साहित्य में ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण समस्याएं हैं, जो शोषण है, जो पीड़न है, इन सबको हम उनकी कहानी में, उनकी रचना में, उनकी गद्य में देख सकते हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानियां ये हैं, देखिए, कफन, फूस की रात, पंच परमेश्वर, सदगति, गरज माई आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। और इनकी कहानियों को मानस सरोवर में, इसके 8 खंड हैं, मानस सरोवर नामक ग्रंथ में इनकी कहानियां संकलित हैं। इस मानस सरोवर के 8 खंड हैं, इनमें इनकी कहानियां संकलित हैं। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और गोदान इनका अंतिम उपन्यास है। गोदान बहुत बड़ा उपन्यास है, प्रभावी उपन्यास है। यह कृषक वर्ग की कहानी है, मतलब यह कृषक समस्याओं का प्रतिनिधि उपन्यास है। किसानों की समस्या के प्रतिनिधि उपन्यास के रूप में हम गोदान को देखते हैं, जिसे कारंत जी के, चोराम कारंत जी की चोमन जुड़ी, चोम का डोल नामक उपन्यास है।
नॉवेल है और इससे पढ़कर हमारे प्रेमचंद प्रेमचंद का गोदान नामक उपन्यास कहने का अभिप्राय यही है। गोदान से कारंत जी प्रभावित हुए थे, प्रेमचंद से कारंत जी प्रभावित हुए थे। गोदान किसानों की समस्याओं का प्रतिनिधि उपन्यास है, तो जो मन धुड़ी दलित समस्याओं का प्रतिनिधि उपन्यास है, इसलिए उनका प्रभाव इन पर पड़ा, यह सभी ध्यान देने की बात है। प्रेमचंद सामंतवाद उपनिवेशवादी साम्राज्यवाद के नीचे कराहते चरित्रों के कथाकार हैं। गरीबों की वाणी, मध्यम वर्ग की वाणी, किसानों की वाणी, मजदूरों की वाणी के रूप में हम प्रेमचंद की कथा को देखते हैं। संस्कारों से जूझते निम्न मध्य वर्ग की कहानियां या शोषित वर्ग की सर्वहारा वर्ग की जो समस्या है, इसे वे अपनी कहानी के माध्यम से वाणी देते हैं। उनके जीवन को जो यातनाएं हैं, गरीबों की, किसानों की, दलितों की, स्त्रियों की, बच्चों की, अनाथों की, मजदूरों की जो यातनाएं हैं, इन्हें इन्होंने दर्शाया है। लगभग आत्महत्या तक धकेल देती है यातना ही इन पीड़ित दलित शोषित लोगों को आत्महत्या तक धकेल देती है। आज भी हम देखते हैं किसानों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या, आत्महत्या के पीछे के कारण यातनाएं उन्हें आत्महत्या मजबूरी से कराती है, करवाती है। इसलिए तत्कालीन भूमि समस्या को समझे बिना प्रेमचंद के किसानों की यातनाएं उनके जीवन संघर्ष को समझना असंभव है। इस प्रकार तत्कालीन समस्या को परिचित कराना है तो हमें प्रेमचंद से परिचित होना है। प्रेमचंद आज भी हमारे लिए प्रासंगिक और समकालीन है। प्रेमचंद की रचनाएं प्रासंगिक रचनाएं हैं, उनकी वाणी सब तक पहुंचती है। समाज को दो भागों में व्यक्त किया जाता है, एक शोषक दूसरा शोषित। इस साम्यवादी समाज में, मार्क्सवादी नजर में समाज को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। 85% लोग शोषित हैं तो 15% लोग शोषक हैं। आज भी 85% ಜನರು ಹಿಂದೂ ಶೋಷಿತರು, ಅವರು ಕಿಸಾನ್ ರೈತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಶ್ರಮಿಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಬಡವರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ನ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ಗದ ಜನರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಉಳಿದ 15% ಮಾತ್ರ ಶೋಷಕರು, ಉಚ್ಚವರ್ಗೀಯರು। ಈ ರೀತಿ ಉಚ್ಚವರು ನಿಮ್ನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೀಚಿ ಲಡಾಯಿ ಶಾಶ್ವತ ಲಡಾಯಿ ಹೈ ಇಸೇ ವೇ ದರ್ಶಾತೇ ಹೈ ಗರೀಬೋ ಪೀಡಿತೋಂ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇನ್ ಇನ್ ಅಮೀರೋ ಅವರ ಪೀಡಕೋಂ ಕಾ ವಿರೋಧ ಕರ್ನಾ मार्क्सवाद का उद्देश्य है, प्रेमचंद का उद्देश्य है। भूमिहीन मजदूरों को श्रम शोषण से मुक्ति मिले, बल्कि उसमें स्त्रियों, दलितों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के नए आयाम और जुड़ गए। आज भी वही कार्यों में किसानों की आत्महत्याएं देखने को मिलती है। मैंने बता दिया किसानों की आत्महत्याएं आज हम देश भर में देखते हैं, पत्रिकाओं में देखते हैं। बढ़ती झुकी झोंपड़ियां, बुलडोजर या रोज लगाई जाती आग, ये सभी हम देखने को मिलते हैं, ये सभी दिखाई पड़ती है। अनवरत श्रम करने के बावजूद भी वे गरीब ही निकले। भारतीय किसान जन्म लेता है ऋण से, जीवन बिताता है ऋण से और मृत्यु भी एक दिन प्राप्त कर लेता है ऋण से। अथवा मजदूर भी, मजदूरों और किसानों की समस्या के प्रतिनिधि रचनाकार के रूप में हम प्रेमचंद जी को देखते हैं। इसलिए चिपकी भूख कैसे संवेदना क्षमता को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देती है, इसका सही परिचय कफन नामक कहानी में देखने को मिलता है। आंसू और माधव के अमानवीयकरण, माधव के, माधव उस कहानी का एक नायक है, घीसो और माधव उस कहानी के नायक है, और नायिका एक है और उससे हम आज देखने से ठीक नहीं होगा, उसे छोड़ देंगे, बाद में हम बताएंगे उसके बारे में। प्रेमचंद इसी हृदय विदारक सत्य को अपनी रचना के माध्यम से व्यक्त करते हैं, यह प्रेमचंद साहित्य की खूबी है। किसानों की, गरीबों की, मध्य वर्ग की, निम्न मध्य वर्ग की, मजदूरों की समस्या को, पीड़न को वे सबके सामने रखते हैं, यही उद्घाटन करते हैं, यही उनकी रचना की भूमि है। प्रस्तुत कहानी के बारे में दो वाक्य देख लेंगे। कहा गया है दूध का दाम, कहानी का नाम है दूध का दाम। दूध का दाम प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानी है। मैंने बता दिया मानस सरोवर के
सारी संकलन है, मानस सरोवर पे उनकी कहानियां संकलित हैं, इसके 8 खंड हैं, यह हमारी लाइब्रेरी में है। इस इनकी प्रसिद्ध कहानियों में या दूध का दाम भी एक है, दूध का दाम नामक कहानी के माध्यम से वे इस पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखलाते हैं। प्रेमचंद एक सामाजिक विश्वास और उसके व्यवहार के बीच उपस्थित तमाम विसंगतियों, फूहड़ताओं, दोगलापन को उद्घाटित करते हैं। लोग उनकी दोगलापन डबल नीति अंत हेळ्तीव, एरडेरडु नीति एदरोंदु हिंदिनोंदु अंत हेळ्कोंडु नावु, हागेने या दुगुली नीति सामाजिक विसंगतियां इसे व्यक्त करने में यह कहानी सफल हुई। छुआछूत अस्पृश्य भावने, वर्ण भेद अंत हेळ्तीव, जातिगत भेद, जातिगत ऊंच नीच में विश्वास करने वाले महेशनाथ कहानी का एक प्रधान पात्र है। अचूत स्त्री भूंगी से अपने नवजात शिशु को दूध पिलाने में कोई हर्ज नहीं समझते। अपने बेटे को बचाने के लिए इस अचूत वर्ग की स्त्री, उसका नाम है भूंगी, और उस अप्रिय शिशु को बचाने के लिए उस अचूत वर्ग की जो स्त्री है उसके दूध का इस्तेमाल करने को तैयार है। समाज में अछूतों को अलग ही रखा जाता है, लेकिन उसके दूध को अपने बेटे को बचाने के लिए उच्च वर्गीय वह महेशनाथ अपने बच्चे को बचाने के लिए निम्न वर्गीय अथवा उस अछूत वर्ग की जो भूंगी नामक स्त्री है इसके स्तन से बने वाला जो दूध है इसका इस्तेमाल वह करने तैयार हो जाता है। पिलाने में कोई हर्ज नहीं समझते, या सामाजिक द्वंद्व जो है इस पर इशारा किया गया है। समाज ऐसा ही है, भूंगी की जरूरतों को पूरा करते हैं क्योंकि उन्हें भी स्वार्थ पूर्ति करनी थी। भूंगी की जो आवश्यकता है इस आवश्यकता की आपूर्ति वह इसलिए करता है कि अपने पुत्र को बचाना है। अपने शिशु को बचाने के लिए वह भूंगी की आवश्यकता की आपूर्ति करता है। बच्चे मंगल को ये लोग अपमान, प्रताड़ना, शोषण और अन्याय के अलावा कुछ नहीं समझते। इस प्रकार यहाँ इस कहानी में हम देखते हैं ये सभी ध्यान देने की बात है। समाज व्यवस्था पर इशारा करने वाली कहानी है, सामाजिक रीति रिवाजों पर प्रहार करने वाली कहानी है, और सामाजिक रीति रिवाज पर व्यंग करने वाली कहानी है। और अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे, इस कहानी से कुछ हद तक हम परिचित हुए, अगले क्लास में इस कहानी को ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पर रुकेंगे, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।